नमस्कार दोस्तों, अजय ट्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं ब्रांड्स बैंक निफ्टी और निफ्टी ने आज क्या किया और टुमारो क्या हो सकता है। इससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं फ्रेंड्स। ये मेरी यूट्यूब चैनल है जिसमें एक सेटअप सीरीज़ का मैंने वीडियो कॉल यस्टरडे बनाया है, जिसमें आपको व्यू फुल प्ले लिस्ट में जाओगे आप वहाँ पर, तो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन की एक वीडियो कल बना के डाला है, स्ट्रेटेजी है जिसको आप जरूर देखिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं निफ्टी ने आज क्या किया। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था कि निफ्टी जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद क्लोज होगी तो एक बुलिश हो सकती है, और आज उसने अच्छा खासा गैप अप ओपन कर दिया फ्रेंड्स निफ्टी ने। तो आइए देखते हैं 50 मिनट में क्या हो सकता है। फ्रेंड्स निफ्टी का ओपनिंग आज हुआ है फ्रेंड्स 60,529 के पास उसका ओपनिंग हुआ है, और उसने हाई मारा है करीबन 60,672 पे उसका हाई मारा है, और उसने क्लोजिंग दिया है 60,661 पे उसका क्लोजिंग दिया है। तो अब कल क्या हो सकता है फ्रेंड्स, कल देखा जाए तो जिस तरीके से आज छगा से ब्रेकआउट हुआ है उसके हिसाब से कल आपकी जाना चाहिए निफ्टी को। लेकिन 15 मिनट की चार्ट में हम देखते हैं फ्रेंड्स। और एक फ्रेंड्स मैंने जो कल वीडियो बनाया था इसमें एक पैटर्न के बारे में मैंने आपको बोला था, बॉक्स पैटर्न। तो यहाँ पर आप चेक करोगे यहाँ पर उसका एक बॉक्स पैटर्न बना था, और इस बॉक्स को उसने ब्रेक किया था 16,638 पे, और उसने लो मारा उस टाइम पे 16,612। यहाँ पे करीबन थोड़ा सा हमें मूवमेंट मिल गया फ्रेंड्स। तो कल अब क्या हो सकता है निफ्टी में, तो कल हम क्या करेंगे निफ्टी में देखते हैं फ्रेंड्स। हम अभी अगर कल टुमारो फ्रेंड्स 16,700 लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाला है निफ्टी के लिए। अगर कल 16,700 ब्रेक करेगा फ्रेंड्स तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 16,790। पीछे देख लेता हूं मैं एक बार फिर से। ओके, 16,800 के करीब आ सकता है फ्रेंड्स, और उसको भी ब्रेक करेगा फ्रेंड्स निफ्टी कल तो उसका सेकंड टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स 16,890। ये हो गया हमारा निफ्टी का अपसाइड का मूवमेंट। ओके, और डाउन की साइड में फ्रेंड्स देखते हैं हम, और डाउन की साइड में अगर फ्रेंड्स निफ्टी ने कल 16,615 ब्रेक किया, 16,600 ब्रेक किया, इस काम कर इसको निकाल लेता हूं मैं। तो निफ्टी ने कल 16,590 ब्रेक किया तो डाउन साइड में उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 16,500, और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स डाउन की साइड में ये वाला 16,000 आएगा हमारा, अरे 16,460। ये हो गया हमारा निफ्टी का लेवल टुमारो के लिए। और फ्लैट जोन हमारा कौन सा रहेगा फ्रेंड्स, ये वाला हमारा रहेगा फ्लैट जोन यानी नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे अगर ओपन होता है निफ्टी तो हमें ट्रेड नहीं करना है। कौन सा वाला, सॉरी ये वाला, यहाँ से ये वाला जिसको मैं प्राइस मार्क भी आगे लगा देता हूँ फ्रेंड्स 16,590 से लेके 16,700। ओके, ये 100 पॉइंट का रेंज है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। अपसाइड का लेवल आएगा, पहला टारगेट हमारा आएगा 16,800 के करीब आएगा, और दूसरा टारगेट आ सकता है डाउन 16,890, और डाउन की साइड में अगर 16,590 निकालेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 16,500, और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स डाउन की साइड में 16,450। ओके, ये हो गया हमारा निफ्टी के लिए। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। फ्रेंड्स मैंने बैंक निफ्टी के बारे में बोला था कि अगर वो ज़्यादा गैप ओपन होता है यानी मैंने जो आपका रेक्टेंगल ड्रॉ किया था ये वाला, और यहीं पे उसने ओपनिंग की फ्रेंड्स 34,979 पे ओपनिंग की, तो मैंने आपको क्लियर कर बोला था कि हमारी रेंज है 34,900 से लेकर 36,025 के बीच में ओपन होता है, और अगर कहीं पर भी ये ब्रेक करेगा यानी डाउन साइड में ये ब्रेक करेगा या अपसाइड में ब्रेक करेगा, ये एक चांस था, दूसरा चांस ये था। तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर बोला था कि ये ब्रेक करेगा डाउन के साइड में तभी हमको पुट लेना पड़ेगा,
और आप चेक करोगे तो उसने 34,923 कितने बजे करीबन 15 मिनट की चाल में 12:15 पे उसने ब्रेक किया और उसने लो मारा है फ्रेंड्स 34,750 के करीब उसने लो मारा है। तो अब देखते हैं कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस लेवल को निकाल लेता हूँ जो मैंने यस्टरडे थ्रो किए थे। और हाँ, दूसरे कपड़े लेना चाहता हूँ मैं, मैंने जो आपको वीडियो बनाया था बॉक्स पैटर्न वाला, वो बॉक्स पैटर्न यहाँ पर भी बनी थी लेकिन यहाँ पे ये एक्टिव नहीं हुई अप साइड में, वो डाउन साइड में एक्टिव हुई है फ्रेंड्स आज। इसको आप फॉलो किया होगा तो 34,920 से लेके आपको पहला टारगेट मिला होगा यहाँ पे 34,820 यानी 100 पॉइंट, और दूसरा टारगेट मिला होगा आपको 34,000 से लेके 75,750। ओके, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिला होगा ये पैटर्न को देखते हुए। तो आइए देखते हैं कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, न्यू लेवल लगा लेता हूँ। इसको मैं करता हूँ, पहले सबसे पहले काम करते हैं हम, उसका क्लोजिंग हुआ है 34,826 के बाद उसका क्लोजिंग हुआ है। तो नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करते हैं पहले, ये हमारा होगा नो ट्रेडिंग जोन फ्रेंड्स। अगर निफ्टी इस जोन में ओपन होती है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, और अगर अपसाइड में ये फ्रेंड्स 34,924 को निकालेगी तो छोटा सा टारगेट आ सकता है उसका 36,040 के करीब, और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका सॉरी काम करता हूँ देखता आगे बड़ा रख देता हूँ मैं ये वाला टारगेट। ओके, पहला टारगेट आएगा उसका 36,070 और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका फ्रेंड्स, दूसरा टारगेट की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कौन सी रहेगी, ये वाले 36,175 और उसको ब्रेक किया तो आएगा 36,280 के करीब टारगेट आ सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 36,070 के ऊपर निकलेगी तभी ये दो टारगेट अचीव हो सकते हैं फ्रेंड्स, वरना ये टारगेट नहीं आने वाले कल। और डाउन की साइड में अगर फ्रेंड्स बैंक निफ्टी ने 35,750 निकालेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स डाउन की साइड में, ये वाला रहेगा हमारा कौन सा रहेगा 35,670, और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स उसका 35,537। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का लेवल। फ्रेंड्स मैं ये वीडियो एजुकेशन प्रपोज से बनाता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।